मध्य प्रदेश सरकार एक निजी लोक परिसंपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है। इस पर जो पत्थरबाजी करते हैं, शासकीय और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर वसूली के लिए एक क्लेम टर्मिनल बनाने का है। ये टर्मिनल घटना स्तर के हिसाब से भी बनेगा, जैसे घटना ग्वालियर की है या जबलपुर की है, इंदौर की है, तो वहाँ पर वो टर्मिनल अपना काम करेगा। इसमें रिटायर्ड डीजी के स्तर के अधिकारी, रिटायर्ड आईजी के स्तर के अधिकारी और सेक्रेटरी रिटायर ये रखे जाएंगे। इस टर्मिनल को सिविल कोड के पावर होंगे। सरकारी संपत्ति के नुकसान की जानकारी कलेक्टर देंगे और निजी संपत्ति की जानकारी व्यक्ति स्वयं इस टर्मिनल को देगा। ये भू राजस्व संहिता में जिस तरह से वसूली के अधिकार हैं, वैसे अधिकार इसे रहेंगे। 3 माह के अंदर प्रकरण का निराकरण होगा, किसका कितना नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई दोषियों से कराकर उस व्यक्ति को दिलाने की जिम्मेदारी ट्रिब्यूनल की होगी। इसकी अपील सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर हो सकती है और हाई कोर्ट के अंदर इसे लगाना, अपील किसी को चाहता है तो वो हाई कोर्ट के अंदर अपील लगा सकता है। लेकिन जो दंगा करके पत्थरबाजी करते हैं, निजी संपत्तियों को नुकसान करते हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, ये इस अधिनियम के तहत है। सुनहरा भविष्य आपकी राह देख रहा है। एकलव्य यूनिवर्सिटी में चुनिए अपने मनपसंद करियर कोर्स, जैसे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, नर्सिंग, फॉरेंसिक साइंस, जर्नलिज्म, पीएचडी आदि में प्रवेश लें और अपने सपनों को नए पंख दें। एकलव्य यूनिवर्सिटी सागर रोड। बुंदेली बौछार की शानदार खबरें और देसी मनोरंजन देखने के लाने सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाव ना भूलें। संग ही फॉलो करें बुंदेली बौछार के फेसबुक पेज को। सुनहरा भविष्य आपकी राह देख रहा है। एकलव्य यूनिवर्सिटी में चुनिए अपने मनपसंद करियर कोर्स, जैसे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, नर्सिंग, फॉरेंसिक साइंस, जर्नलिज्म, पीएचडी आदि में प्रवेश लें और अपने सपनों को नए पंख दें। एकलव्य यूनिवर्सिटी सागर रोड। बुंदेली बौछार की शानदार खबरें और देसी मनोरंजन देखने के लाने सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाव ना भूलें। संग ही फॉलो करें बुंदेली बौछार के फेसबुक पेज को।